दोस्तों, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज इस लेसन जिसका नाम है आई बिलीव दैट बुक्स विल नेवर डिसअपियर, इसका दूसरा हिस्सा यानी पार्ट टू मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों से लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जो चीज़ मुझे समझ में आई है। यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, ऐसा पता चला है कि बीइंग इंग्लिश क्लासेस सिर्फ एक ऐसा इकलौता क्लास जो चैनल है, जो ये जितने भी लेसन्स हैं हिंदी में आप लोग को सिखा रहे हैं, हिंदी या तो उर्दू में सिखा रहे हैं आप लोगों को। ये जितने भी सारे लेसन्स हैं पीयूसी फर्स्ट और सेकंड ईयर के, बहुत कम चैनल आपको दिखाई देंगे यूट्यूब पर जो आप लोगों को उर्दू और हिंदी में सिखा रहे हैं। तो इस बात की मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आप लोग तक, जितने भी जो हिंदी समझने वाले या उर्दू समझने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक मेरे ये लेसन्स पहुंच रहे हैं और उनको इन लेसन्स का फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। यहाँ पर एलिफेनो जो है वो कहता है, होमर रोट इन द ओडिसी द गॉड्स रोट एंड स्पन द स्किन ऑफ र्यून फॉर मैन दैट देर माइट बी अ सॉन्ग फॉर दोज येट टू बी बॉर्न। एलिफेनो ने जो ये वर्ड इस्तेमाल किए हैं और जिस तरीके से इसने जो कहा है, मैं आप लोगों को अपनी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर एलिफेनो एक किताब का जिक्र करता है जिसका नाम है द ओडिसी, जिसे होमर ने लिखा है। और उस किताब में एक लाइन है, द गॉड्स रॉट एंड स्पन द स्किन ऑफ र्यून फॉर मैन। खुदा ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वो जो इंसान है वो आने वाले पीढ़ी के लिए एक सबक बन सके, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उस इंसान से कुछ सीख सके। यहाँ पर सॉन्ग का मतलब होगा मैसेज, तो दैट देयर माइट बी अ सॉन्ग फॉर दोज येट टू बी बॉर्न। येट टू बी बॉर्न यानी आने वाले जो ऐसे लोग जो अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन आगे जाकर जब वो पैदा होंगे तो ये जो लोग है जिसे खुदा ने बनाया है, तो ये जो लोग है वो मिसाल बनेंगे आने वाले लोगों के लिए। जो आने वाली जो जनरेशन है वो इन लोगों से कुछ सीख सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जो हमारी जो पिछली पीढ़ी से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अगर आप लोग के जहन में अगर कोई ऐसे इंसान हो जिस जो एक मिसाल बन चुकी हो आने वाले लोगों के लिए, तो आप कमेंट में उसका जिक्र कर सकते हैं। फिलहाल मेरे जहन में एक ऐसे शख्स की तस्वीर बन रही है जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसे इंसान रह चुके हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक का जरिया बन चुकी है। तो बॉर्जेस इसका जवाब देते हैं, वेल इट इज़ द सेम आइडिया, वेल इट इज़ द सेम आइडिया। खैर ये वही बात हुई। ठीक है, कौन सी बात हुई? कि जो लोग हैं वो ऐसे बनना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबक बनना चाहिए। इन वन ऑफ माई पोएम्स आई से दैट ह्यूमिलेशन मिसफॉर्चून डिस्कॉर्ड वर गिवन टू अस सो दैट वी मे ट्रांसप्यूट देम। बोर्जेस जितने भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में होती है उसका असर एक्चुअली हमारे ज़िंदगी पर पॉजिटिव तौर पे होना चाहिए। यानी कि जो भी मुसीबतें हमारे पर आती है वो हमारे भलाई के लिए होती है। और ऐसा उन्होंने अपने एक ऐसे कोई एक पोएम में उन्होंने जिक्र किया है। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है जिल्लत। मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद। ठीक है, ये हमारे लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, कभी ना कभी हमारे लाइफ में इन सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सारे चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं, इन वन ऑफ माई पोएम्स आई से तो वो कहते हैं इन वन ऑफ माई पोएम्स आई से दैट ह्यूमिलेशन मिसफॉर्चून डिस्कॉर्ड वर गिवन टू अस सो दैट वी मे ट्रांसम्यूट देम। ताकि ये जितने भी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, ये सारे के सारे हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उन्हें चेंज कर सकें, सो दैट वी मे मेक फ्रॉम दी मिजरेबल सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर मिजरेबल सर्कमस्टांसेस का मतलब होगा जो बैड सिचुएशन जो होते हैं ना हमारे लाइफ में, ऑफ आवर लाइफ इटर्नल वर्क्स और वर्क्स दैट एस्पायर टू बी सो। अ वर्स ऑफ गोथे कम टू माइंड एले नाही वर्ड फर्न।
यहाँ पर बॉर्जेस एक ऐसे इंसान का जिक्र करते हैं जिसका नाम है गोते, जिन्होंने अपनी जुबान में उन्होंने लिखा है एलिस नहे वर्ड फैन, जिसका मतलब होगा ऑल डैट इज़ नियर बिकम्स फार, जो भी चीज़ें हमारे नज़दीक है वो एक ना एक दिन हमसे दूर जानी है। यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव्स की बात बोल सकता हूँ, आज वो रिलेटिव्स हमारे साथ हैं, कल वो रिलेटिव्स हमसे दूर जा सकते हैं। यानी जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में हो रही है वो सारे सिचुएशंस आज ना कल तो चेंज होने, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि वो हमेशा ता उम्र तक बरकरार रहे। जैसे हमारी ज़िंदगी बदल रही है उसी तरह से हमारे जो लाइफ है, जैसे हमारी ज़िंदगी बदल रही है तो हमारे आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बदलती रहती है। तो वो कहते हैं कि ऑल डैट इज़ नियर बिकम्स फार, जो हमारे पास अभी नज़दीक है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमसे दूर हो जानी है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो कोई चीज़ें हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है। इन दिस वर्स गोते रिफर्स नॉट ओनली टू द सनसेट, यहाँ पर गोते इस एग्ज़ाम्पल को लेकर वो सनसेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि जो सूरज होता है वो हमसे नज़दीक होता है और फिर वो दूर जाने लगता है, यानी वो उगता है ईस्ट से और सनसेट उसका जो होता है वो वेस्ट में होता है, ठीक है। बट ऑल्सो टू लाइफ ऑल थिंग्स लीव अस, इन माई केस द विजिबल वर्ल्ड हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम माई आइज। यहाँ पर वो खुद अपना एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं कि मेरा एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो पता चलेगा, आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरी आँखों की रोशनी थी जो मेरे करीब थी, जो मेरे पास थी, लेकिन आज वो आँखों की रोशनी मेरे पास नहीं है। तो वो जो दुनिया जो मैं देखता था अब मेरे से दूर जाने शुरू हो गई है या दूर चली गई है। जैसे कि बोर्जेस कहते हैं कि उनका जो आँखों की जो रोशनी गई है वो उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि इस आँखों की रोशनी के बदले में उन्हें कुछ और भी मिला है। जैसे यहाँ पर वो लेसन में लिखते हैं श्योरली फॉर एवर बट फॉर्चुनेटली इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय अदर थिंग्स। उसके बदले में जो आँखों की रोशनी उनकी जो गई है उनके बदले में उसे और कोई और चीज़ें मिली है। माई ड्यूटी इज़ टू एक्सेप्ट एंड एज फार एज पॉसिबल टू एन्जॉय दोज थिंग्स। यहाँ पर देखिए जो बोर्जेस है वो कितने सकारात्मक है, यानी कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर रखते हैं, अफर्मेटिव है इस मामले में। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो जो अपना अंधापन है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे इसी के साथ जीना है और बाकी जो चीज़ें वो एंजॉय कर सकते हैं वो एंजॉय करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सकें। आई स्टिल कंटिन्यू प्रिटेंडिंग दैट आई एम नॉट ब्लाइंड। वो कहते हैं कि अंधे होने के बावजूद वो ऐसा अपने आप को सोचते हैं कि वो ऐसा मानते हैं खुद को कि वो अंधे नहीं हैं, और वो ऐसा एहसास दिलाते हैं खुद को कि वो ऐसे सारे काम वो कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, और इसीलिए वो किसी और इस तरह किसी नॉर्मल इंसान की तरह जैसे कोई जो देख सकता है उस तरह। आई स्टिल बाय बुक्स। वो कहते हैं कि मैं अभी भी बुक्स ख़रीदता हूँ क्योंकि वो खुद को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो अंधे नहीं हैं। आई स्टिल गो ऑन फिलिंग माई हाउस विद बुक्स। वो कहते हैं कि मैं अभी भी अंधे होने के बावजूद वो खुद बुक्स खरीदते हैं और अभी भी ख़रीदा करते हैं। एलिफेनो देर इज़ अ थीम आई वुड लाइक अस टू स्पीक अबाउट द थीम ऑफ बुक्स। एलिफेनो इसके बाद एक और सवाल पूछते हैं बोर्जेस को और बोलते हैं कि एक थीम है, थीम का मतलब होता है टॉपिक, और कहते हैं एक टॉपिक है जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोर्जेस वेल लास्ट नाइट इन फैक्ट आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम, आई ड्रीम ऑफ द बर्निंग ऑफ अ ग्रेट लाइब्रेरी। बोर्जेस कहते हैं कि हाँ पिछली रात मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने देखा कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी, किताबों की लाइब्रेरी जल के राख हो चुकी, विच आई बिलीव मे हैव बिन द लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया एक बहुत बड़े कॉन्करर थे जिसे हिंदी में सिकंदर कहा जाता है। तो सिकंदर ने एक अपने ज़माने में एक लाइब्रेरी तामीर की थी, उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी जो आते आते साथ जो जो नए नए
कॉन्करर्स, नए नए राजा महाराजा जब वहाँ पर आने लगे तो उन्होंने धीरे 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 उस एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि वो लाइब्रेरी का नामो निशान मिट चुका था। जो भी वहाँ पर उस दौर में जो भी राजा महाराजा या जो भी सुल्तान या जो भी हो जिसने अलेक्जेंड्रिया के इलाके को फतेह किया, वहाँ पर उन्होंने उस अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को नुकसान पहुँचाया। अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को जलाकर खाक कर दिया गया था, जिसका ख्वाब बोर्जेस को आया था। विच आई बिलीव मे हैव बीन द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ख्वाब में बोर्जेस ने जो लाइब्रेरी देखी थी जलते हुए, वो कहते हैं कि शायद वो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया थी, विद इट्स काउंटलेस वॉल्यूम्स अटैक बाय फ्लेम्स। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी और वो किताबें आग के सुपुर्द कर दी गई थी। डू यू बिलीव दिस ड्रीम मे हैव बीन सम मीनिंग, बोर्जेस पूछ रहे एलिफेनर को, जो ख्वाब मैंने देखा क्या उस ख्वाब का कुछ वास्तविक, क्या उस ख्वाब का कुछ हकीकत से कुछ ताल्लुक था, या उसका कुछ मतलब बनता था? एलिफेनो, परहैप्स, बोर्जेस। एलिफेनो कहते, शायद इसका कोई मतलब हो, तुम्हारे ख्वाब का कुछ हकीकत से कुछ लेना देना हो शायद। कुड इट बी दैट यू ओ योर रीडर्स अ बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ द बुक। एलिफेनो कहते, क्यों ना आप एक बुक बनाइए हिस्ट्री ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का इतिहास, किताबें कहाँ से शुरू हुई, किसने पहली किताब लिखी। दरअसल हिस्ट्री ऑफ बुक्स का मतलब होगा यहाँ पर कि किताबें हकीकत में कब से आना शुरू हुई, यानी किताबें किसने लिखी, पहली किताब किसने लिखी थी, और इस किताबों की सोच रखने वाले कि किताब एक किताब होनी चाहिए, ये किसने लिखी। क्या आप ऐसी किताब बना सकते हैं, या क्या आप ऐसे कुछ इस के बारे में कुछ लिख सकते हो किताबों के बारे में, ऐसा एलिफेनो बोर्जेस को पूछ रहे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ राइटिंग सच अ बुक, बोर्जेस इसका आंसर देते हैं, डियर मी नो। वो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि नो, मेरे से ये नहीं हो सकता कि मैं, ये काफ़ी बड़ा और वास्ट टॉपिक है कि जिसमें किताबों के इतिहास के बारे में मैं कुछ लिख सकूँ। बट इट इज़ एन एक्सेलेंट आइडिया, लेकिन एक काफ़ी अच्छा आइडिया है अगर कोई एक ऐसा इंसान इस टॉपिक को लेकर अगर एक किताब लिखें तो शायद एक काफ़ी एक अच्छा ख्याल हो सकता है। इट वुड बी वंडरफुल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ बुक, काफ़ी अच्छी बात होगी अगर कोई हिस्ट्री ऑफ बुक के बारे में, किताबों की हिस्ट्री के बारे में लिख सके। आई विल कीप इट इन माई माइंड, ऑल्दो आई डू नॉट नो इफ एन 83 ईयर ओल्ड मैन कैन सेट सच अ प्रोजेक्ट फॉर हिमसेल्फ। वो कहते हैं मैं शायद इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन एक मेरे जैसा 83 साल का इंसान, एक ऐसा बूढ़ा इंसान इस बारे में, इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कर सके, या इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके, ये मेरे जैसे इंसान के काम की बस की बात नहीं है। हाउएवर आई नो रिमेंबर दैट स्पेंगलर इन हिज डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट प्रीडेट्स माय अटेम्प्ट। अब लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि एक ऐसे इंसान थे स्पेंगलर नाम के, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें उन्होंने पूरी कोशिश की इस टॉपिक पर लिखने के लिए, लेकिन वो सफलता उन्हें नहीं मिली, वो इस मामले में कामयाब नहीं हुए। अफसोस, वो इस मामले में कामयाब नहीं हुए। फॉर इन इट ही राइट रिमार्केबल कमेंट्स ऑन बुक्स, बुक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी, लेकिन वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई उन्हें। इन वन ऑफ योर एसे यू कोट द वर्ड ऑफ बर्नार्ड शॉ, एवरी बुक वर्थ बीइंग रीरीड हैज बीन रिटन बाय द स्पिरिट्स। यहाँ पर एलिफेनो उन्हें याद दिलाते हैं बोर्जेस को, वो कहते हैं कि आपने बर्नार्ड शॉ का एक लाइन आपने कॉपी करके अपने बुक में लिखा है, और वो लाइन है, एवरी बुक वर्थ बीइंग रीरीड हैज बीन रिटन बाय द स्पिरिट्स। आपने अपने एक एसे में ऐसा क्यों लिखा, बर्नार्ड शॉ की लाइन, कि जो भी किताबें वापस पढ़ी जाने लायक होती है वो कोई आम इंसान नहीं लिखता, वैसी किताबें कोई आम इंसान नहीं लिखता। यहाँ पर बाय द स्पिरिट्स, स्पिरिट को कहते हैं कि जो बड़े बड़े महान किताबें गुजरी हैं, जो लोग बड़े बड़े लोगों ने लिखी हैं, महापुरुषों ने लिखी हैं, वो किताबें जो वापस पढ़ने लायक होती है,
वो कोई आम इंसान नहीं लिखता, वो एक महान महात्मा या कोई इस तरह के लोग लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट का मतलब होता है कोई महापुरुष, ठीक है। बॉर्जेस, हाँ यस, आई कम्प्लीटली कॉन्कर विद दैट नोशन। ओके, देखिए मैं इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ। कौन सी बात पे सहमत है? जिस बात पे बर्नार्ड शॉ ने, जो बर्नार्ड शॉ ने लिखी है वो लाइन, ठीक है, कि जो किताबें जो लिखी जाती है पढ़ने लायक, वापस फिर एक बार पढ़ने लायक होती है, वो कोई आम इंसान नहीं लिख। सिंस अ बुक गोज बियॉन्ड इट्स ऑथर्स इंटेंशन, द ऑथर्स इंटेंशन इज अ मियर थिंग, अ फैलिबल थिंग। कुछ कुछ किताबें ऐसे होते हैं जो ऑथर लिखते हैं, राइटर्स लिखते हैं, तो उनका वो कभी ऐसा सोचा, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होता कि उनकी जो किताबें हैं वो आगे जाकर काफ़ी सराही जाएंगी या पढ़ी जाएंगी। ऑथर्स इंटेंशन यानी ऑथर ने कभी ऐसा सोचा नहीं होता, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होता कि ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये शायद आगे जाकर काफ़ी बड़ी किताब, अपने आप में एक बड़ी किताब साबित होगी, ठीक है। इन अ बुक, इन एवरी बुक देर इज़ अ नीड फॉर समथिंग मोर विच इज़ ऑलवेज मिस्टीरियस। वेन वी रीड एन एंशियंट बुक इट इज़ एज दो वी आर रीडिंग ऑल टाइम दैट हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डे इट वॉज रिटन टू आवर प्रेजेंट डे। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो उनके ज़माने में लिखी जाती है, पुराने ज़माने में जो किताबें लिखी गई होती है वो उस ज़माने के हालात के पर लिखी गई होती है, जो आज के हालात पर वो सटीक साबित नहीं होती। कुछ किताबें ऐसी भी होती है जो पुराने ज़माने में लिखी गई होती है, लेकिन वो किताबें आज भी अगर हम आज के ज़माने में पढ़ी जाएँ तो वो अपने हालात पर सटीक साबित होती है। अ बुक कैन बी फुल ऑफ एरर्स। वो कहते हैं कि कुछ किताबें ज़रूरी नहीं है कि जो किताबें लिखी जाती है, बोर्जेस का कहना ऐसा है कि जो भी किताबें होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑथर ने लिखा है वही सही हो और हमें उसे मानना चाहिए। वी कैन रिजेक्ट इट्स ऑथर्स ओपिनियन, डिसअग्री विथ हिम और हर, बट द बुक ऑलवेज रिटन समथिंग सेक्रेट। अ बुक कैन बी फुल ऑफ एरर्स। वी कैन रिजेक्ट इट्स ऑथर्स ओपिनियन, डिसअग्री विथ हिम और हर, बट द बुक ऑलवेज रिटन समथिंग सेक्रेट। बोर्जेस कहते हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो गलतियों से भरी पड़ी होती है और हम चाहे तो ऑथर ने जो लिखा है किताब में उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑथर ने लिखा है वही सही हो, कभी कभार हम ऑथर से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन वही जो लाइंस लिखी गई है किताब में वो किसी और के लिए सही साबित हो सकती है। बट द बुक ऑलवेज रिटेन्स समथिंग सेक्रेट, समथिंग मॉर्टल, समथिंग मैजिकल विच ब्रिंग्स हैप्पीनेस। यही जो ख्याल है वो किसी और के लिए खुशी का जरिया बन सकती है, यही वो बोर्जेस कहना चाहते हैं अपनी किताब में। पार्ट टू यहीं पर एंड होता है, बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में पार्ट थ्री के लिए। थैंक यू वेरी मच।